भगवान शंकर का त्रिपुंड होता है। त्रिपुंड ये तीन गुणों का प्रतीक है, भूत भविष्य वर्तमान का प्रतीक है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का प्रतीक है। और ये त्रिपुंड जो लगाया जाता है ये तीन देवों का प्रतीक है। मतलब भगवान शंकर का जो भक्त है वो तीनों को मानता है, विष्णु को भी मानता है, ब्रह्मा को भी मानता है और भगवान शंकर को भी मानता है। शिवपुराण कहता है कि ममेव हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम मयम। हम में और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु की निंदा करता है वो पाप की है, वो पाप का हकदार है। और यदि विष्णु भक्त भी शिव जी की निंदा करता है तो वो विष्णु भक्त भी पाप का भागीदार है। आपको अपने इष्ट की प्रशंसा करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के इष्ट की निंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। जिस तरह से एक स्त्री अपने पति का प्रशंसा करे वो उसके अधिकार में है, लेकिन वो दूसरे के पति की निंदा करने का अधिकार उसको है नहीं है। ठीक उसी तरह से आप विष्णु भक्त हैं, ठीक है आप भगवान विष्णु की प्रशंसा करें, लेकिन आप शिव जी की निंदा नहीं कर सकते हैं। और यदि शिव जी शिव भक्त हैं तो भगवान शंकर की आप प्रशंसा करें, आप भगवान विष्णु की निंदा नहीं करें। आखिरकार मूलतः तीनों देव, समस्त देव एक ही हैं। त्रिपुंड का मतलब है कि तीनों एक हैं, चाहे विष्णु कहें, चाहे शंकर कहें, चाहे ब्रह्मा कहें, ये तीनों एक हैं। भगवान शंकर त्रिपुंड लगाते हैं और तीन पत्तों वाला उनको बिल्वपत्र भी चढ़ाया जाता है। जिस तरह से भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है, जिस तरह से भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, ठीक उसी तरह से भगवान शंकर को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। बिल्वपत्र का क्या महत्व है? हमारे यहाँ कहा गया है, अखंडीर बिल्वपत्रेश्य पूजित शिव शंकरम, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शुवार्पणम, त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारते बिल्वपत्र शुवार्पणम। तीन पत्तियों वाला बिल्वपत्र आप भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो अनंत अनंत सौभाग्य को आप प्राप्त करते हैं, अनंत अनंत पुण्य को आप प्राप्त करते हैं। चार दल वाला मिल जाए तो तीन दल से 100 गुना ज्यादा, चार पत्तियों वाला जो बिल्व पत्र होता है उसको चढ़ाने का आपको लाभ मिलता है। और कहीं 5 पत्तियों वाला मिल जाए तो फिर कहना है का, और 6 पत्तियों वाला तो सर्वश्रेष्ठ माना गया। जितनी ज्यादा पत्तियां बिल्व पत्र में होंगी उतना ज्यादा वो महत्वपूर्ण होता है। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं उस बिल्व पत्र को लेकर।